तो गाइस आज मम्मी को देंगे हम पूरा रेस्ट, उसके बाद सारा काम आज हम करेंगे। देख तो आज मैंने डिसाइड करा कि जितना भी खाना है रात का वो मैं बनाऊंगा। कोई सोचेगा अरे लड़के को खाना बनाना आता है, ऐसा कुछ नहीं, सबको आना चाहिए खाना बनाना। वेलकम बैक टू आवर चैनल गुड लाइफ ऑफ युवराज। तो गाइज अभी फिलहाल हमें सारा काम करने में लगे हुए हैं। क्यों करने में लग रखे हैं परी बताएगी आपको, क्योंकि आज है करवा चौथ और ताई जी का व्रत है। तो गाइज आज हमने सोचा है कि मम्मी को बिल्कुल भी काम करने नहीं देना है, सिर्फ हम दोनों, ये भी आ रखे हैं घर पर। और ये क्यों आ रखे हैं आपको थोड़ी देर पता लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो हमने सोचा है कि सिर्फ मैं और परी, अभी परी आ गई है तो परी भी कर लेगी साथ में कुछ। बाकी मेरा प्लान तो ये था कि आज सारा काम मुझे करना था, तो लेकिन परी आ चुकी थी, मेरी हेल्प कर देगी। नहीं जानी तो अभी जो अपने काम पे करना सारा काम नहीं, जो तो काम करने आई है वो तो कर ले। तो गाइस आज मम्मी को देंगे हम पूरा रेस्ट, उसके बाद सारा काम आज हम करेंगे। देखते हैं मम्मी अगर हाथ नहीं लगाएंगे किसी काम में तो फिर ठीक हो जाएगा, वरना तो मम्मी रुक ही नहीं सकती बिना काम करे, है ना। और फिर ताई जी को और भूख लगेगी, प्यास लगेगी, थक जाएगी, तो इसलिए उनको कुछ काम करने नहीं देंगे आज। तो गाइज अभी फिलहाल परी तो लगाएगी पोछा, मैं लगा दूंगा झाड़ू, ठीक है। तो गाइज जल्दी से करते हैं, अभी ताई दी का कॉलेज है आज, तो इसलिए वो क्या बोलते हैं कॉलेज जा रखे हैं, उनका बढ़िया है, वो कॉलेज चली गई, छुट्टी है आज, तुम्हें करना पड़ेगा। तो गाइस देखो परी किस काम के लिए आई थी, ताई जी के पैरों में मेहंदी लगाने के लिए। अरे वाह, पता है सुबह सुबह 9 बजे टपक गई है कि मैं ताई जी के पैरों में मेहंदी लगाऊंगी करके। देखो परी दिखा अपना टैलेंट, अभी पूरी नहीं लगी, अभी साइड में पूरी बेल बनेगी ऐसे। मम्मी ने कल हाथों में तो लगवा ली थी, बट अब बाहर से लगवा के लिए आई थी मम्मी, लेकिन ये क्या बोलते हैं, अरे वाह परी का मम्मी बिजनेस खोलेंगे, ठीक है। परी वी मार्ट के बाहर तो ही बैठेगी, हम विशाल मेगा मार्ट के बाहर भी लगा लियो अपने स्टॉल अगली बार से। मम्मी आपने फालतू में बाहर पैसे दिए अपने हाथों में, जो लगवाई इससे लगवा लेते हैं मम्मी। हाँ यार गलती हो गई अगर इस मम्मी से, देखो भी मैं मम्मी तरह भी रेडी नहीं हो रखी हैं अगली बार से। मम्मी पहले आप मेरे ब्लॉग में सबको बोल दो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुड लाइफ ऑफ युवराज, और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत सारी ढेरों 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 शुभकामनाएं। तो गाइस सारा काम तो परिवार मैंने मिलकर कर लिया था, बाकी मम्मी ने थोड़ा किचन का काम कर लिया था, बाकी जो बाहर वाहर का था वो सारा हमने कर लिया था। तो अभी तो फिलहाल मैं नहाने जा रहा हूँ, तो आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो गाइस अब परी आपको अपना पूरा दिखाएगी मेहंदी का डिज़ाइन। मम्मी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, देख मेरे हाथ मेहंदी। अरे वाह, पीछे देखो, पीछे पीछे दिखाओ भाई। अरे वाह, पापा का नाम भी लिख दिया। ओह एक चीज, एक चीज, एक चीज। अबे अब क्या है, दिल तो रही क्या? हाँ। A few moments later. तो गाइस अभी देख सकते हो मम्मी को, मम्मी रेडी होना स्टार्ट हो रही हैं। हाँ, और तैयार हो गई ना, कथा होगी, कथा होने से पहले तैयार हो जाती हूँ। तो आज कथा का टाइम कितना है मम्मा? आज 5 बजे के बाद ही बता रखा है, लेकिन उससे पहले तैयार हो जाते हैं। हाँ तो गाइस अब मम्मी आपको सीधा मिलेंगी मेकअप करने के बाद, मम्मी का फाइनल लुक, ठीक है मम्मी। चलो फिर आ जाओ, 1 2 3।
तो गाइस जब आप कमेंट करके बताओ मम्मी का लुक कैसा लग रहा है आपको, मम्मी का लुक है, कमेंट करो। मम्मी आप कुछ कहना चाहोगे गाइस से? बस कुछ नहीं, मेरा तो यही है कि आप बताना कैसी लग रही हूँ। और आपका क्या रूटीन, अब आपका क्या आगे का? अब मैं जाऊँगी कथा के लिए और फिर कथा के बाद फिर आएंगे, उसके बाद थोड़ा रात के खाने की तैयारी करूँगी, फिर रात को जब चाँद आएगा, चाँद देखने के बाद जल पियेंगे पानी, और उसके बाद फिर व्रत तोड़ेंगे, बस यही है। चलो गाइस अब देखते हैं। वैसे भी मैंने देखा था जो चांद कह रहे हैं चंदा मामा आएगा, मतलब आएंगे दिखेंगे हमको 8:07 पे शायद, 8:07 पे ऐसे कह रहे हैं कि पता नहीं, हर बार देरी करते हैं। तो गाइस देखो मम्मी ने पहन लिया है हमारा यहाँ पिछौड़ा पिछौड़, और ये देखो गाइस ये हमारे कुमाऊँ में पहनते हैं लेडीज़ जो भी होते हैं, और ये हमारे कुमाऊँ कल्चर के सब कह सकते हो कि ये हमारी पहचान है कि जो मतलब ये मतलब अब हर शुभ कार्य में इसे पहनते हैं। हाँ, और इसके बिना मतलब ये लगा लो कि फील ही नहीं आता कि हम मतलब कुछ अच्छा मतलब पूजा में बैठे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, जब इसे पहनो तो ऐसा होता है कि हम पूरे अब पूरा रेडी, हाँ पूरा पूरी तरीके से अब रेडी हो गए। फिलहाल तो अभी मम्मी नीचे जा रखी थी कथा सुनने, जो कि आ चुकी हैं अभी मम्मी, जरा ऐसी आंटी के वहाँ बैठ रखी हैं। तो आज मैंने डिसाइड करा कि जितना भी खाना है रात का वो मैं बनाऊंगा, मतलब मम्मी ने एक सब्ज़ी तो मम्मी ने बना दी है कद्दू की सब्ज़ी, बट पनीर की सब्ज़ी मैं बनाऊंगा आज, मैं बनाऊंगा शाही पनीर, शाही नहीं कढ़ाई पनीर, तो वो मैं अपने बनाने वाला हूँ। आपको बताता हूँ मैं कैसे बनाता हूँ, और थोड़ा थोड़ा मुझे भी आता है खाना बनाना, ऐसा तो कुछ नहीं है, और आना चाहिए सबको, जो भी सोचता है कि कोई सोचेगा अरे लड़के खाना बनाना आता है, ऐसा कुछ नहीं, सबको आना चाहिए खाना बनाना। तो और इसमें कोई क्या बोलते हैं, कुछ लोग ना बड़े शर्माते हैं कि हमको घर का काम करना था, दिखाते नहीं, बट मैं ब्लॉग में दिखा देता हूँ। तो कुछ लोग मुझे बोलते भी हैं वैसे, बट उनका मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बाकी मैं अभी बनाता हूँ पनीर की सब्ज़ी, तो आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं, क्योंकि गाइस आज मम्मी सुबह से ना पानी पी रखा है मम्मी ने, ना खाना खा रखा है, तो भाई अब मैं सुबह खाना खा के गया था घर से, और जब मैं ट्यूशन गया तो मेरे पेट में फिर भूख लगने लग गई, मैं सोच रहा था भाई मम्मी लोग तो कैसी रह रहे होंगे आज, बट जो भी है अभी मैं चलो स्टार्ट करता हूँ पनीर बनाना। तो गाइस यहाँ मैंने जो ये मसाला होता है जिसमें टमाटर है और अदरक है और मिर्ची है, मतलब हरी मिर्च, मैंने रेडी कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि आज प्याज और लहसुन तो डाल नहीं सकते हम, तो मैंने इसको ही रेडी कर दिया है। तो गाइस देखो पापा भी आ चुके हैं और मैंने इन दोनों की फोटो भी खींच दी है। पापा देखो पूरे लड़के वाले लुक में लग रहे हैं आज, हुडी वुडी पहन के, और मम्मी पूरी ट्रेडिशनल। तो गाइस अभी तो फिलहाल आपने देखा मौसी लोग आ रहे थे, बातें कर रहे थे, मम्मी लोग भी, पापा भी आ चुके हैं, आपके फोटो वोटो सब हो चुका है। अब वेट है चांद का, चंदा मामा का वेट, अब देख कर आता हूँ छत पे कि आ गए हैं या नहीं आए हैं। तो गाइस जो छत पे आ चुका हूँ, छत पे आपको पूरा अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि ऊपर वाली जो छत है वहाँ पर लाइट नहीं है, चांद अभी मतलब पटाखे तो बज रहे हैं बट चांद दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमारे घर के एकदम इधर जो है एकदम बगल में लगा हुआ होटल है, तो बहुत बड़ी दीवार है, उसके बगल में लगे हुए कुछ फ्लैट बन रखे हैं, तो उसकी बड़ी दीवार है, मुझे लग रहा है कि उन दोनों साइड ही है, चांद दिखे वो दिख नहीं रहा है। देखो भाई एक तो ये रहा होटल जो कि कॉरपोरेट चाय वाला भी है इधर, तो एक तो ये रहा इतना बड़ा, और एक सामने को दिख रहा होगा अगर थोड़ा थोड़ा, तो वो नहीं एक बिल्डिंग, तो मुझे लग रहा है या तो इसके पीछे है या तो इसके पीछे, जो कि मुझे दिख नहीं रहा है, अब देखना पड़ेगा कैसे देखें। छत पर था बड़ी देर से, छत पर घूम रहा हूँ, और अभी मैंने चेक करा गूगल में, तो गूगल में कह रहा है कि 8:23 तक जो है चांद निकल जाएगा, और निकलेगा ईस्ट से,
तो ईस्ट तो मेरे घर के उधर है, उधर देख सकते हो, उधर है। बाकी तो अभी छत पे अंधेरा हो रखा है, अभी देखता हूँ कब निकलेगा। मम्मी को फ़ोन कर दूंगा फिर नीचे। बाकी ऊपर से इतना अच्छा लगा है, ठंडा ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया बढ़िया। तो गाइस इंतज़ार ख़त्म, देखो चंदा मामा आ चुके हैं, आपको दिख रहे होंगे। देखो मेरे फ़ोन में इतने क्लियर नहीं आ रहे, लेकिन ये देखो चंदा मामा आ चुके हैं। और ये मुझे तो ध्यान ही नहीं था, अभी जब पटाखे बजना स्टार्ट हुए तब मुझे ध्यान आया, अरे फिर मैंने देखा इधर उधर, फिर देखा तो ये देखो ये रे। अब मैंने फ़ोन कर दिया मम्मी को, आने वाले होंगे वो लोग। गाइस मैंने कब से बोल दिया कि चांद आ गया, अभी तक आई नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गए। और चलो अभी आते हैं फिर। मैं वैसे जो चांद देखने का जो टाइमिंग है वो है 8:26 से, ऐसा मैंने भी गूगल में सर्च करा था कि मतलब चांद जो देखने का टाइम है वो क्या है, तो उसमें आ रहा था 8:26 है, तो 8:26 तक तो आ ही जाएंगे लोग ऊपर। देखिए यहाँ पर अब मिठाई खाई जा रही है पूरे, कहाँ ये है ना मिठाई, ले लो पूरा खा लो, अभी मेरी है। तो गाइस फाइनली चंदा मामा दिख चुके हैं हमको, यहाँ मम्मी का जो व्रत है वो खुल चुका है मामा। हाँ अब हम खोलिए, अब हम खाएंगे ठूस ठूस के खाना। अब मम्मी पूड़ियाँ बनाएंगी, देखो गाइस पूड़ी मैं बना देता बट वो मुझे नहीं आता बनाना, और ताई जी को भी नहीं आता है, तो इसलिए हम पूड़ी वूड़ी तो हाथ लगाते ही नहीं है। बाकी चलो अभी मम्मी खाना बनाती हैं। तो गाइस देखो शमी से बात हो रही है मम्मी का, मम्मी यहाँ पूड़ियाँ बना रही हैं। और ये देखो आज मीठे में है ये रसमलाई जैसा कुछ, अब राजभोग रसमलाई, रायता जो कि मैंने बना रखा है, पनीर जो कि मैंने बना रखा है, पूड़ी जो कि मम्मी ने बना रखी है।